अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अब ना मैं आपको पता है कॉन्कर पुश कर रहा था और क्या सीन हुआ कि मेरे को पड़े -47 और फिर पड़े -27 -17। पता लाइक गाइस, मैं थर्ड फोर्थ भी आ रहा हूँ ना, माइनस ही हो रहा है। मेरा दिल्ली उठ गया उनका भाड़ में जाए। जब सीज़न स्टार्ट होगा तब ट्राई करेंगे। तो हम लोग ने रश गेम पे स्टार्ट कर दिया। एट स्टार था गाइस मेरा। और यकीन करो गाइस, इतना दुख होता है ना। एक तो अपना एक गेम होता है, आपका नेचुरल गेम होता है, उसको भाई इतना तुम इग्नोर करके पहले सेफ उतरो, लूट करो और वो सब, तो दिल उठ गया सही में। मैं कब भाड़ में जाए कॉन्करर। इंशाल्लाह सीज़न स्टार्ट होगा ना तब करेंगे, उस टाइम ईजी होता है। तो गाइस हम 60 मिलियन फ़ौरन से लेके विरास पे घुस गए जहाँ पूरा स्क्वाड उतरा था। तो बाबा जी, शुरू में हमने उठाए एकदम फ्री के किल्स। और आपको एक और बात बताऊं मैं कि जॉर्ज पुल में ना, मतलब अपने लाहौर में 6 से 7 स्क्वाड आए थे, क्योंकि सीज़न ख़त्म होने वाला और सब गाइज रश करके खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बंदे आए थे। तो मेरे पास एमओ भी ख़त्म होने वाली थी। ये नज़र आता है यहाँ पे, उसको टैग दिया, बच गया लॉल। और फिर यहाँ पे नॉक मिला और BW भैया की हम गन उठाएंगे। AK-M3 के पास चलो गाइस गन मिल गई। जब इतने ज़्यादा स्क्वाड आ जाते हैं, आपको पता है गन और लूट का ना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। और ये गेम ऐसा था गाइस जो मैं बोलता हूँ कि हम लोग ने लाइक सीज़न में एक बार ऐसा गेम प्ले होता है कि हर तरफ से घिर गए थे और इतनी अच्छी लॉबी आई थी और इतनी टाइट लॉबी आई थी ना, और ऊपर से हीलिंग वीलिंग नहीं। तो लाइक सीज़न में एक ऐसा गेम प्ले होता है जो आपको याद रहता है। ये हमारा वो गेम प्ले था जो हमें इम्पॉसिबल निकाला विदाउट हीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड्स के दरमियान। तो ये इस सीज़न का यादगार गेम प्ले रहेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस देख के। अगर अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो अनोनिमस की पब्लिक ठोक दो लाइक बटन। अब यहाँ पे अंदर बंदा था तो हमने इस पर किया रश, और अचानक से प्रोन होने वाली ट्रिक जो ये काम आई और यहाँ पे इसको किया फिनिश और लूट उठा के ले गए। हमारे पास सिर्फ 10 MO बची है, तो काम काफ़ी ख़राब हो चुका है बाबा जी। तो गाइज उसके बाद उन्हीं की एंट्री होती है जिनको पबजी वाले समटाइम बहुत ही गलत टाइम पर, समटाइम बहुत ही सही टाइम पे भेजते हैं। हमारे बाबू भैया बॉट भैया, इनको हमने नॉक किया, उनकी गन उठाएंगे। समटाइम ये ऐसे टाइम पे आ जाते हैं जब स्क्वाड रश कर रहा होता है, और समटाइम ये ऐसे टाइम पे आ जाते हैं जब हमें गन चाहिए होती है। तो बहुत अच्छी बात है, स्कारल मिली थी गाइज। और यहाँ मिडिल वाले वेयर हाउस में इतना गंदा फंसने वाले गाइज, राइट में भी बंदे होंगे, लेफ्ट में भी बंदे होंगे, अपना ना कबाड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँगा कितने लाइक 4 स्क्वाड थे उस टाइम पर। अब सामने बंदे थे गाइज, ये लोग वेयरहाउस होल्ड कर लेते हैं। एक पूरा स्क्वाड राइट वाले वेयरहाउस में मेरे, एक पूरा स्क्वाड मेरे लेफ्ट वाले वेयरहाउस में, और गाइज एक स्क्वाड जहाँ हम लोग लैंड हुए थे ना उस कंटेनर पे, और उनका एक बंदा चढ़ा हुआ था टावर पे। तो ये सिचुएशन थी, यकीन जानिए गाइज। अभी 1:30 है, हालांकि मैं हम लोग यहाँ से पहले से रुके हुए, क्योंकि मेरे पास बूस्टर वगैरह कुछ नहीं है, एमओ वगैरह कुछ नहीं है, साइलेंट के पास, नंबर 3 भाई के पास कोई हीलिंग, कोई बूस्टर कुछ नहीं है। गन में जो जो एमओ बस वही है, तो इतना बुरा फंस गए थे ना, बस सबर करके बैठे थे। हमने कहा भाई और कुछ नहीं करेंगे, देखो AKM में 1 MO और स्कारल में बस 2 मैगजीन है, तो मतलब थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट कोई सामने आया तो उसको मारने के लिए एमओ तो है। तो काफ़ी ज़्यादा देर गाइस हम लोग बैठे रहे होल्ड करके, क्योंकि अगर हम लोग राइट पर रश करते ना और वहाँ मार भी देते तो लेफ्ट वाले फ़ौरन से आके हमको डाउन कर देते। हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं थी हमारे पास, और जाहिर सी बात है एक स्क्वाड से फाइट लेने के लिए एमओ है बस हमारे पास। तो आपने देखा लाइक ना, तकरीबन जोन शुरू होने में 2 मिनट थे तब से हम लोग होल्ड करके बैठे थे ये वेयर हाउस, और जो राइट में है वो भी होल्ड करके बैठे थे, और जो लेफ्ट में टीम है वो भी होल्ड करके बैठे थे, और हम यहाँ पर सस्ते नशे कर रहे थे और आराम सुकून से बाबा जी वेट कर रहे थे। और फिर मैं राइट में बोला, राइट में एक ही रह गया है, क्योंकि लाइक वो नॉक इन नेट वगैरह हो रहे थे और रश भी लाइक ओपन में आ रहे थे ना सामने, तो नॉक इन फिनिश भी हुआ था बंदा। तो मैं रश करने गया बट मेरी टीम के ऊपर हो जाता रश, और ये लोग डाउन करते हैं 2 बंदों को, और ये बेचारा आखिरी बचता है गाइस। देखो अब आप खुद सोचो, जहाँ 7-8 टीम्स आई हो वहाँ किसके पास लूट होगी? इन बेचारों के पास भी लूट नहीं थी, हीलिंग वीलिंग नहीं थी, बट हम फ़ौरन से आ गए क्रेट लूटने के लिए। अब इस बेचारे की भी हेल्थ कम थी, नेट वगैरह पड़े होंगे इसको, और बेचारे के पास ना सिर्फ M4 थी एमओ के साथ, हीलिंग नहीं थी, जैसे मेरे पास कारल थी एमओ के पास हीलिंग नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे ना हम कैसे ना कैसे बस सर्वाइव करने में कामयाब तो हो जाते हैं होल्ड कर करके, सबर कर करके। लेकिन अभी भी एक स्क्वाड बचा था जो लाइक जो राइट लेफ्ट कंटेनर वाले थे ना, वो थर्ड पार्टी हो गए, कैसे ना कैसे मर जाते हैं, एक एक को करके हम मार देते हैं, टीममेट मार देते हैं मेरे, लेकिन जो कंटेनर वाला स्क्वाड होता है ना वो बचा होता है।
तो अब वो लोग करते हैं रश, वो आई आई गेस दो बंदे थे, हमने काफ़ी होल्ड किया, वो लोग नेट वगैरह कर रहे थे, और अब मेरे पास सिर्फ दो बैंडेजेस थे आई गेस, और शायद से बूस्टर मिला था। तो अब साइलेंट फंस जाता है आगे, उसको पीछे से जो है ना वो रश नहीं करने दे रहे होते, और मैं भी आगे जाऊंगा तो मारेंगे, फिर मैं बस चला जाता हूँ। और बस अब मेरे टीम में कुछ जो एक राइट पे होता है एक लेफ्ट पे होता है, एक कवर देने के लिए साथ होता है, तो फौरन से जंप करके गाइस मार जाता हूँ, प्रोन वाली ट्रिक यूज़ करता हूँ, बट मेरा एम बिगड़ जाता है क्योंकि बंदा मेरे काफ़ी क्लोज था, और यहाँ मैं हो जाता हूँ नॉक, और हम नॉक पड़े में हमारी ज़िंदगी खतरे में आ रही है, और हमें डर लग रहा है कि हमारा हम फिनिश होने वाले हैं। अब सामने 1v1 हो रहा है, और हम मज़े से देख रहे हैं, जैसे मूवी नहीं देख रहे होते गाइस, वो WWE देख रहे होते हैं, जॉन सीना अंडरटेकर लॉल, तो वो दोनों कितने मज़े से लड़ रहे हैं, हम नॉक होकर देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे फिनिश हुए तो सुख का सांस लिया। और अब आप देखोगे लूट करने का लेवल 69, लेवल 999। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गए, तो हम फौरन से भागे लूट करने के लिए, हिल विल नहीं की, आगे टैप 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 टैप, ये देखो कितनी तेज से टैप कर रहा था मैं, लूट उठा ले, और फिर मुझे याद है 6x है, फिर मैं फौरन से 6x उठाऊंगा बैंडेज मार के, क्योंकि मुझे खतरा है 6x अगर हमारा उठा लिया गया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो 6x जब जैसे मेरी टीममेट करीब आएंगे ना, मैं 6x उठा लूँगा, और जोन से नॉक हो रहे हैं गाइस, ऐसी हालत थी, कोई हीलिंग ज़्यादा नहीं थी। अब ना सबसे ज़्यादा हीलिंग मेरे पास थी, मेरे टीममेट्स के पास कम थी, तो लाइक मुझे बोला गया कि आप गाड़ी ढूंढ गया क्योंकि आपके पास ज़्यादा हीलिंग है। और फिर भाई हम फिरते हैं दर बदर जोन के अंदर, हीलिंग कम लेते हुए, गाड़ी ढूंढते हुए, गाड़ी गाइस को नज़र नहीं आ रही थी, और जोन डैमेज भी दे रहा था, और टीममेट्स के पास ना हीलिंग्स भी नहीं थी, तो काफ़ी टाइट वाला गेम प्ले हो गया था ये। और आप लोग मुझे बताना कभी आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई हो, हीलिंग ना हो और गन में एमो ना हो और आप लोग सर्वाइव कर गए हो, ऐसी सिचुएशन अगर आई थी तो कौन सी सिटी में आई थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और अगर कंटेंट मज़े का लगता है, वीडियो मज़े के लिए लगती है, तो प्लीज़ लाइक बटन ठोक दिया करो गाइस, हम लोग बहुत ही जल्दी ऊपर जा रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन की फैमिली पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस उसके बाद मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ जोन में, मेरे टीममेट स्प्लिट है, और आप देख सकते हो 12 सेकंड में जोन भी आने वाला है, और हमारे पास बचे हुए हैं बैंडेज और बूस्टर्स ही बस, तो एक एक करके मैं उठा रहा था, और मैं इनको बस एक जगह जमा करके ना सीट चेंज करके मैंने फैसला किया कि फिर मैं हील करूँगा, क्योंकि मेरे टीममेट्स की हेल्थ मुझसे ज़्यादा थी और मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, जोन स्टार्ट हो चुका है। और गाइस सोने पे सुहागा, एक एग्जांपल देते हैं कि जो जोन था वो था ब्रिज कैंप वाला, मतलब आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी इस गेम प्ले में। तो हम लोग आए थे यहाँ पे बोट ढूंढने के लिए, ये सोलो भैया हमें मिलते हैं, जो कि ये भी शायद से बोट ही ढूंढ रहे थे कि बोट में बैठ के चले जाएं, BOT वाला बॉट नहीं गाइस, BOAT वाली बोट, हाँ वही कुछ। तो बाबा जी हमारे, हमें किल नहीं मिला, काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद हमने फैसले किया लूट करें, बड़ी देर में पीछे से पड़ गई, हमारे टीममेट हो गए नॉक, वहाँ पर कार 98 थी, सोलो ही बंदा था गाइस, जो कि कीड़े कर रहा था बान उससे, और यहाँ मैंने मारा बट थोड़ा सा मिस कर दिया, और उसके कान के पास से गई होगी, शुर करके आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ आई होगी मेरे भाई को। तो उसके बाद गैस हम लोग इस पर करते हैं रश, और ये सोलो होता है क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा मारा था, और हम टीपी पे लेके देख भी रहे थे कि कितने बंदे हैं स्कोपिंग करके बार बार, तो बेचारा एक ही था। फिर एक गाड़ी लेके भागते, फ्यूल नहीं था, उन्होंने टीममेट को बोला भाई हम करते हैं फ्यूल। गैस जो स्नाइपर उठाए ना आपकी टीम में, वो गैस कैन उठा लिया करो, ये बहुत कम आते हैं, अगर गाड़ी में ना डालो ना तो फिर ब्लास्ट कर दिया करो, नेट की जगह लेग जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना, रश हो रहा तो आप ऐसे सेटअप कर दो गैस कैन का। तो बेचारा यहाँ रुका था, जैसे ये बच गया, इसको शायद से पता भी नहीं था हम लोग पीछे आ रहे हैं या क्या, बट हाँ ये यहाँ के रुक जाता है, फिर हम इसकी करते हैं लूट। अब शुक्र है 2 फर्स्ट एड मिले थे, लेकिन उनमें से एक अभी यूज़ हो जाने वाला है। और गाइस फिर जोन जाना था, ब्रिज कैंप था, ब्रिज जो दोनों ब्रिज हैं वो जोन के अंदर आ चुके थे, तो हमारे पास हीलिंग नहीं थी, तो हमने भाई धूम 99 वाला काम किया, गाड़ी कुदा दी पानी के अंदर, और फिर तैरने लगे। लेकिन गाइस अब देखो, पहले एमओ नहीं, फिर हीलिंग नहीं, फिर इतनी ज़्यादा टीम जॉर्ज में, फिर जोन ब्रिज कैंप वाला, और फिर जब पानी से पहुंचेंगे पार, तो एक टीम कर रही होगी हमारा वेट, वो फिर बोलते नहीं वो स्वागत नहीं करोगे हमारा, कुछ ऐसा ऐसी फीलिंग आई थी उस टाइम पे, बट कोई बात नहीं बाबा जी क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद गैस हम आएंगे ड्रॉप पे, और इतने भी हम लोग देख रहे थे वो राइट पे ना, उन्होंने पहले स्पॉट नहीं किया था, बट वो शायद उनको शक हो रहा था कि पानी में बंदे हैं, और फिर देख भी लिया होगा मैं लेटा स्प्रे करने के लिए, जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम लगता है बंदे के ऊपर एम जाने में, जैसे मेरा एम उस तक पहुँचा, एक आधी गोली लगी, उसने कान 98 से कान के नीचे लगाया और मुझे डिंगा कर दिया, और मेरे टीममेट मुझे कवर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एकदम ओपन में आ चुके हैं, साइलेंट कवर देने गया, ये भी नॉक हो जाता है, और अब यहाँ पे मैं गैस वो भी नहीं कर सकता, जोन का डैमेज ज़्यादा है, मेरा फर्स्ट एड नहीं लगेगा, तो मैं भग लेता हूँ, और मेरे दूसरे टीममेट भी नॉक हो जाते हैं, ये दोनों नॉक हो जाते हैं यहाँ पे, और मेरी हेल्थ नहीं होती,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़िंदगी हमारी खतरे में आ गई थी बाबा जी। तो बस वो होता है ना, लाइक सब फुटबॉल बना रहे थे इस गेम में हमें, और फिर हमने हील कर ली, और उसके बाद एक एक करके मैं उनको रिवाइव दूंगा। और बुरी बात ये थी कि वो लोग भी क्लोज आ रहे थे, तो अब यहाँ पे रिवाइव का ऑप्शन नहीं आता था, मैं लेट लेट गया। इससे गाइज आपके रिवाइव का ऑप्शन आ जाता है, गन पीछे रख लो, गन निकाल लो, लेट जाओ, थोड़ा मूव करो, तो आपके टीममेट का अगर रिवाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आ जाएगा। तो अब हीलिंग जो है गाइज हो चुकी थी ख़त्म बिल्कुल, और एक फर्स्ट एड भी बाकी नहीं था, कोई बूस्टर कोई बैंडेजेस बाकी नहीं था। और मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं आठ आठ फर्स्ट एड कैरी करके वो कर रहा था रैंक पुश, तो वो दिन हमें याद आ रहे थे कि देखो भाई अब तो हीलिंग ही नहीं है, हेलमेट भी डैमेज हो चुका है, लेवल टू का लेवल वन की वेस्ट है। अब इन बंदों को मारने का टाइम है गाइस, क्योंकि इनके पास लूट हो सकती है। तो पहले मैंने यहाँ से ट्राई किया, बट यहाँ से कोई अच्छा एंगल नहीं मिल रहा था, और ऊपर से यहाँ में जोन में भी नहीं था। तो हमने फैसला किया एकदम रोटेट करेंगे, लेफ्ट पे चले जाएंगे। गाइस ये चीज़ आप लाजमी किया करो, धोखा दे दिया करो एनिमीज़ को, रोटेट करके एक अच्छा एंगल बना लो उनको मारने के लिए। ऐसे आप लाइक उनको अच्छे से सरप्राइज़ दे पाओगे, और फिर बाबा जी उनका उनका ना लाइक क्रेट बन जाएगा, फिर आप वो कूफिन डांस कर सकते हो। यस, तो बंदे गए स्मोक में थे, और शायद से वो लोग जोन में थे। गैस ये हेडशॉट बस तुक्के से मार दिया, बट हाँ अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा भी तुक्के से ट्राई किया, बट तुक्का हर बार नहीं लगता, और फिर कानेंटेड भी गंजे वाला रिएक्शन दे रही है कि बस कर जाए, एक अच्छा लग गया, बार बार थोड़ी लगेगा। तो बस उसके बाद हमने थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू किया, और मैं आगे पीछे और भी देख रहा था। गैस दो बंदे थे, तीन हम पाँच, और दो बंदे बचते हैं। तो पहले हमें डाउट होता था कि शायद से इनके दो बंदे हों, और हमें दरमियान में सैंडविच करके ना हमारा कबाड़ा कर दें। तो एक रैंडम स्प्रे दिया स्मोक के अंदर, बट वो शायद से दरख्त कवर में बैठे हुए थे गाइस। फिर मेरे लाइक नज़र पड़ी मेरी नेट पे कि दो हमारे पास दो दो नेड हैं, तो बाबा जी कब इस्तेमाल करेंगे नेट हम। भागे आगे, और फिर मैं जम करके थ्रो किया। गाइस अगर आप ऐसे जम करके थ्रो करोगे ना, नेट काफ़ी दूर तक चला जाता है। और फिर मैं वापस से कवर में आ गया, और मुझे यहाँ पर डाउट हुआ कि राइट वाले पेड़ पर बंदे हैं, फिर अक्ल ने काम करना छोड़ा, फिर बाद में याद आता है नहीं लेफ्ट वाले पे। पीक ली गाइस, और ये फिर उसके कान के पास से गई, फिर उसकी आवाज़ हुई होगी, मिस कर दिया, बुरा लगा, कोई बात नहीं। एक नॉक था, फिर हमने गाइस दोबारा से नेट किया। वो बंदा रिवाइव नहीं दे रहा था, उल्टा शॉट दे रहा था। तो गाइस यहाँ पे प्रीफर देता रहा कि अगर वो पीक लेगा तो फटेगा, और नेट वरना नेट तो मेरा गया हुआ था। तो ऐसे करके हमने धोखे से बेचारों को यहाँ पे मारा। अब मज़े से जा रहे हैं इनकी लूट करने, लेकिन इतनी देर में भाई अभी हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं, अब मैं फिर गलत दरख्त पे आ गया था, और यहाँ पे मेरे साथ वो वाला सीन हो गया था। ओ लूट दूर भाग रही है भाई, लाइक जा भी रहे हैं तो गलत जगह लूट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे लूट मिली भी तो हमारे टीममेट हो जाएंगे नॉक, और फिर हम पूरी तरह से लूट भी नहीं करेंगे, बस उठ के भागते हैं टीममेट को बचाने के लिए। और वो मार्क करते हैं वहाँ पे, मेरा स्नाइपर थी, मैं लाइक स्कोपिन करके देखा, बट मुझे कोई नज़र नहीं आता बाबा जी। फिर मैं थोड़ा सा क्लोज आया तो गाइस वो लोग जोन में नहीं थे, वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बंदा नज़र आता है, तो मैं एम पर रेड डॉट मारता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउन किया गाइस होलो रेड डॉट से, इनका एक ही बंदा बचा था, वो ड्रॉप के पीछे आया, आप लोगों ने देखा। तो उसके बाद अब एक ही बंदा बचा था, और हम चाह रहे थे कि वो स्मोक करके उसको कैसे भी करके रिवाइव ना दे, वन वी साइलेंट को गाइस वो लोग ना फिनिश कर देते हैं। तो ये वन वी टू था, अगर वो रिवाइव हो जाता वापस से वन वी टू वी टू हो जाता, तो हम लोग चाह रहे थे कि भाई कुछ भी करके उसको रिवाइव ना होने दे, और फिर इसको कर दिया यहाँ पे मैंने फिनिश। अब बचता है सिर्फ ड्रॉप वाला, तो गाइस एक नेट मैंने फेंका ऐसे जंप करके, बट ड्रॉप शायद से ज़्यादा दूर था, वो ड्रॉप पे जाता नहीं है, और बंदा ड्रॉप के पीछे बैठा, शायद से वो लोग जोन में है, लाइक ये बंदा जोन में बैठा हुआ है। तो मैं होल्ड करके बैठा था गाइस आराम से, और यहाँ पे कान के नीचे लगाया, बट ये क्या कर रहा था, हमारे साथ प्रैंक कर रहा था, मस्ती कर रहा था, ऊपर हो रहा था नीचे हो रहा था गाइस, ट्रोल कर रहा था। ये देखो ये तो उसको लग जाता है, बट आगे जाके नहीं मस्ती करता है, ये देखो आहा हा, ये देखो जानबूझ के मस्ती कर रहा है। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये उठने वाला है, मैंने ऐसे तुक्के पे मारा और लग गया बाबा जी। तो यहाँ पे इतना इंटेंस गेम प्ले के बाद हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। उसके बाद गाइस अब यहाँ पे ना मैं बता रहा हूँ, ये गेम देख के अगर आप लाइक मेरे टीममेट ना इतना गंदा खेल रहे थे ना गाइस, बता नहीं सकता मैं। ये लोग ना कोई कार्नेटेड लेके जा रहा था, मर रहा था, और कोई देखो कैसे सामने खड़ा हो गया था। तो मैं चाह रहा था कि मैं ना मेरे टीममेट को ये गेम कैसे भी करके जिता दूँ, और बस ट्राई कर रहा था, बट हम लोग बड़ा गंदा पिट रहे थे, ये लोग बहुत अच्छा मार रहे थे। अब मैं यहाँ पे दो को डाउन किया गाइस, और ये देखो कवर में आने के बाद भी पड़ गए, और हमारे टीममेट लाइक समटाइम ऐसा होता है एक टीममेट आपका साथ दे देता है, बट यहाँ मेरे तीनों टीममेट साथ नहीं दे रहे थे, और ऐसा गंदा गंदा पड़ रही थी ना गाइस। फिर मैंने नेट फेंका और बूम बम हुआ नेट, और भाई का हमें मिला किल। उसके बाद मेरे हो चुके 4 किल, 6 किल टीम के थे और 10 किल एनिमीज के थे। और यहाँ पे गाइस फिर से मैंने दो को डाउन किया, हेल्थ नहीं थी, तो मैं वापस से पीछे भागा। मैं कुछ कट नहीं करूँगा, जितनी बार मरा मैं आपको दिखाऊँगा, और मैं फुल गाइस मैं अपना बेस्ट दिया कि मैं गेम जिता सकूँ टीममेट्स को। और यहाँ पे फिर से मैं मर जाता हूँ। 13 और 9 चल रही थी, जिसमें से 9 में से 6 किल मेरे थे। अब 13 से सीधा 15 करवा चुके हैं हमारे टीममेट,
बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा था कि शायद से ये गेम हम जीत जाएं। फिर नेट निकाला गाइस यहाँ पे फेंका, जहाँ से लाइक गोलियाँ चल रही थी, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक डाउन किया, वापस से नीचे आया, दूसरा डाउन किया गाइस, वापस से नीचे आए और हमारे हो चुके हैं 8 किल, टीम के हो चुके हैं 12 किल। और ये अचानक से सामने आता है, बट इसको भी डाउन कर ही दिया कैसे ना कैसे गाइस, और हमारे हो चुके हैं 9 किल, टीम के हो चुके हैं 13 किल, 5 उनके ज़्यादा हैं। फ़ौरन से पीछे भागता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं थी गाइस, और फिर मैं रश करने जाता हूँ इस बंदे पे जो यहाँ पे टीपी प्लेयर था, जुड़ के खेल रहे गाइस, ये देखना, इसको मारा, फ़ौरन से पीछे आ गया, कवर दे रहे थे ये लोग, एकदम जुड़ के खेल रहे थे तो उनको डाउन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर ऐसे नहीं थे, इनमें से कोई नूब था, सब बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर से गाइस नहीं निकाला और वो लोग ना 3 और 4 7 के लिए ले जा चुके हैं, 10 किल मेरे हैं, 16 किल टीम के हैं। यहाँ पे एक को डाउन किया गाइस, दूसरे को डाउन किया, यहाँ पे 12 किल हमारे हो चुके हैं और लोग किया इस बंदे को, और यहाँ पे हमें इसका किल मिला, 13 किल हमारे 20 किल टीम के। एक और को क्या डाउन किया गाइस, 14 किल हुए, और यहाँ पे एक और को डाउन किया, 15 किल हुए, ये 16 किल ट्राई किया बट नहीं हो पाया। ओए होए 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 गाइस हल्का हो चुकी है, वेस्ट मेरी उड़ चुकी है। ये हो गए गाइस हमारे 16, ये हो गए 17, 7 की लीड थी। ओ ओ गाइस ये क्लच, अब तो लाइक बटन ठोक दो अगर अब ये अभी तक आपने नहीं ठोका तो। गाइस देखो मैं सिर्फ 2 की लीड रह गई थी उनकी, मैं अपनी ना 8 की स्ट्रीक से इतना करीब ले आया था और दिलो जान से कोशिश कर रहा था कि ये मैच अपनी टीम को जिता दूँ। मैं थोड़ा रोटेट करके आया, यहाँ पे आके फिर एक को डाउन किया, 19 किल हमारे हो चुके हैं, ये बंदा कवर में जा चुका है और ये तीनों रश करेंगे गाइस, देखना कैसा गंदा मारा है इन्होंने भाई। और ये फिर से 3-2 की लीड रह गई थी गाइस, और ये फिर मेरे टीममेट ने मर के ना 6 की लीड पर जा दी, 19 किल हमारे हो चुके थे। फिर मैं नेट निकाला एक और नेट फेंका, जहाँ पे लाइक ज़्यादा साउंड आ रहा था वहाँ पे नेट फेंक दिया, साउंड तो नहीं बट हाँ गन का साउंड आ रहा था कि गोलियाँ चल रही हैं। और गाइस उन्होंने काफ़ी अच्छी लीड बना ली थी और मैं कोशिश कर रहा था स्टिल कि मैं अपने टीममेट्स को जिता सकूँ। यहाँ पे एक और को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया, 21 किल गाइस हमारे हो चुके थे, और यहाँ पे मेरे 22 किल हो चुके थे, 30 और 36, 6 की लीड रह गई थी। और यहाँ पे इस बंदे को डाउन किया, 5 की लीड रह गई है गाइस, 4 की लीड रह गई है, और यहाँ पे 3 की लीड रह गई है, 2 की लीड रह गई है गाइस। लेकिन हमारे टीममेट जो है ना बस नेक्स्ट लेवल। और ये मैं फिर से कवर में आने के बाद मर गया और 3 की लीड रह गई थी, 25 किल गाइस मैंने जोर लगा के कैसे ना कैसे कर लिए थे बस स्टेडियम में, और यहाँ पे विक्ट्री, हम लोग हार जाते हैं। इतना दुख होता है ना स्टेडियम के बाद, हालांकि आपको क्लासिक में दुख होता है, स्टेडियम में दुख नहीं होता, बट गाइस सच में इतना ज़्यादा दुख हुआ था ना इस मैच में। तो गाइस मैं ऐसे जो मैं मर जाता हूँ इस गेम प्ले में, मर गया था तो ऐसे जो फनी और लाइक अमेजिंग होते हैं ना मारने लग जाता है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे मारा। ऐसी ऐसी वीडियोज़ ना गाइस मैं मर जाता हूँ बट मज़े की होती है, वो मैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो इंस्टाग्राम का गाइस मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, या आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @theanonymousxt, मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे अजीब अजीब और मज़े मज़े के फनी क्लिप्स मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस रमज़ान चल रहा है, अपनी दुआ में मुझे याद रखना, मेरी कोई बात बुरी लगे ना तो बस माफ़ कर देना, और अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और आई नो मैंने गाइस बहुत कोशिश किया कि काउंटर हो जाए, बट स्क्वाड में आपको पता है स्क्वाड में कितना मुश्किल होता है, तो मैं तो अकेला ट्राई कर रहा था सोलो में, लेकिन मैं 8 स्टार कर लिए, बट फिर इतने इतने माइनस होने लगे ना कि लाइक जब तक मैं चिकन नहीं निकाल रहा था ना, मेरे पॉइंट्स नहीं प्लस हो रहे थे, सेकंड आया 2+ 3+, तो बस दिल उठ गया क्योंकि बहुत ज़ोर लगाई, रोज़ा होता है ऊपर से और फिर आपको गेम प्ले भी बनाना होता है, तो बस मैं लाइक थक गया था। फिर मैं अब इरादा किया इंशाल्लाह जब सीज़न स्टार्ट होगा, पहले वीक में ईजी होता है कॉन्करर पुश करना, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं पहले वीक में कॉन्करर पुश कर लूँ, बाकी वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। भाई गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी को भी बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखा देना और सपोर्ट करते रहना अनॉनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लव यू दिल से, लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।